हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कुलकर्णी। स्वागत करता हूं मैं मेरे चैनल में। दोस्तों, अभी भी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये कार बोनेट एंटेना। ये किस लिए होता है, कैसे इंस्टॉल होता है। बेसिकली अगर आप लेफ्ट साइड का जजमेंट प्रॉपरली लेना चाहते हो तो ये आपको बहुत उसमें मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं और कैसा लुक आता है गाड़ी का भी इसके बाद। ये है कुछ उसके एडजस्टमेंट स्क्रूज जिसको हम ये प्रॉपरली फिट करके देखेंगे और उसको एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करेंगे जब भी हम गाड़ी को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए खोल लेते हैं बोनेट, देखते हैं ये कहाँ पर एग्जैक्टली फिट होता है। तो गाड़ी के लेफ्ट साइड पे अगर आपको ठीक से देखेंगे तो एक गड्ढा दिखाई देगा जो एग्जैक्टली अपने हेडलैम्प के पीछे है। अगर आप ये इसको इस तरह से फिट करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। आपको अगर इसको फिट करना है तो ऊपर फ्लैप के ऊपर फिट करना होगा। सो चलो इसको फटाफट स्क्रू से टाइट कर लेते हैं और बाकी एडजस्टमेंट स्क्रूज जो है उसको फासन करके हम देख लेते हैं गाड़ी का लुक कैसे आता है। जब भी आप ये इसको फिट करने होंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि ये आपके हेडलैम्प के एग्जैक्टली पीछे हो जाए। आप ये फ्लैप जो है ये बंद और ओपन करके देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सही जगह पे फिट तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि जब भी आपका ये बोनेट बंद हो जाए तो वो अपने हेडलैम्प के जो ग्लासेस है उनको हार्म ना करे। एक और चीज़ मुझे इसमें दिखाई दी कि इसको एक एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया है जो गाड़ी के जो मेटल पार्ट से उसको टच हो रहा था जब भी मैं ये फ्लैप बंद कर रहा था, तो उसको मुझे एक पकड़ की मदद से जो है उसको अंदर करना पड़ा थोड़ा सा। तो अगर आप इसको ये ले रहे हो तो आपको भी ये सेम चीज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपके कलर या फिर जो मेटल का पार्ट है उसको टकरा जाएगा। तो मैंने इस तरह से उसको अंदर कर लिया है और सारे स्क्रूज जो है वो मैं थोड़े से ढीले कर चुका हूँ और अभी इसको फटाफट हम स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। हमारा ये जो बोनेट का एंटेना है ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया है इंस्टॉलेशन इसका। ये लास्ट जो स्क्रू है जिसको हम फिट करेंगे और गाड़ी का फाइनल लुक देखेंगे और गाड़ी के अंदर बैठ के एक राइड भी करके देखेंगे कि ये अंदर से कैसे फील होता है। तो चलिए, इससे कार का लुक तो काफ़ी एनहांस हो गया है और बिगिनर्स के लिए तो गाड़ी चलाना और भी अच्छा हो गया है। जैसे कि मेरी वाइफ अगर चलाती है तो उसको बहुत ही ईजी जाएगा ये। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय।